हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। गृह मंत्रालय को 2022 की जनगणना के लिए 3,676 करोड़ रुपए आवंटित। जी हाँ, गृह मंत्रालय को केंद्रीय बजट में जनगणना 2022 आयोजित करने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल के लिए 3,676 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जनगणना 2022 के संचालन के लिए आवंटित राशि MHA को आवंटित कुल बजट का हिस्सा है, जो कि केंद्रीय बजट 2022-23 में बजट व्यय के रूप में 1,11,425 करोड़ रुपए है। फाइजर बायोएनटेक ने 5 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की मंजूरी मांगी। जी हां, फाइजर और उसके सहयोगी बायोएनटेक ने घोषणा की है कि वे 6 महीने से अधिक और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अपने कोविड वैक्सीन के उपयोग के लिए अमेरिकी स्वास्थ्य नियामकों से आपातकालीन प्राधिकरण की मांग कर रहे हैं। यदि टीकों की मंजूरी मिल जाती है तो यह अमेरिका में इस आयु वर्ग के लिए उपलब्ध पहला वैक्सीन होगा। सीएम योगी ने कहा, यूपी में हर महीने डबल डोज राशन देगी बीजेपी। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार हर महीने मुफ्त डबल डोज राशन, मुफ्त डबल डोज टीकाकरण की तरह प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 135 करोड़ लोगों को मुफ्त टीकाकरण, मुफ्त कोविड-19 देखभाल और मुफ्त परीक्षण मिला। उन्होंने कहा कि पहले लड़कियां असुरक्षित थी और अपने घरों से बाहर निकलने से डरती थी। दुकान में मात्र 16 सेकंड मास्क उतारने पर शख्स पर लगा 2 लाख रुपए का जुर्माना। जी हां, ब्रिटेन के एक व्यक्ति ने दावा किया कि एक दुकान के अंदर मात्र 16 सेकंड के लिए अपना मास्क उतारने के बाद उस पर £2,000 यानी 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। उस समय स्टोर के अंदर पुलिस अधिकारियों ने उससे संपर्क किया। यह घटना फरवरी 2021 की है, जब यूके में सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का उपयोग अनिवार्य था। दिसंबर 2021 में व्हाट्सएप ने 20 लाख से अधिक भारतीय अकाउंट किए बैन। जी हां, व्हाट्सएप की मासिक अनुपालन रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप द्वारा 20,79,000 भारतीय खातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जबकि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को दिसंबर 2021 में 528 शिकायत रिपोर्टें प्राप्त हुई थी। इससे पहले मेटा के स्वामित्व वाली कंपनी ने कहा था कि 95% से अधिक प्रतिबंध स्वचालित या बल्क मैसेजिंग स्पैम के अनधिकृत उपयोग के कारण है। रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को नहीं मिला भाजपा से टिकट, तो लखनऊ से उतार सकती है सपा। जी हां, भाजपा से टिकट इनकार के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा द्वारा लखनऊ छावनी सीट से भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी को मैदान में उतारने की संभावना है। हालांकि सपा ने लखनऊ की सभी सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन उसमें से एक मयंक को दिए जाने की संभावना है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।